आज की कहानी श्रीलंका से आकर ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले डॉक्टर पति पत्नी की है। ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है कि एक सुबह डॉक्टर की वाइफ इमरजेंसी हेल्पलाइन पर फोन करते हुए अपने पति के मर्डर की जानकारी देती हैं। जब पुलिस इस केस की जांच करती है तो फिर ऐसे ऐसे हैरान कर देने वाले खुलासे होते हैं कि हर कोई शॉक्ड रह जाता है। देखते ही देखते शुरू में जिसे लोग विलेन मान रहे थे वो कातिल इस कहानी का हीरो बन जाता है और जो विक्टिम था यानी जिसकी हत्या की गई थी वही विलेन बन जाता है। मगर कैसे? और तो और कोर्ट भी इस मामले में कुछ ऐसा फैसला सुनाता है कि जिसकी कल्पना शायद आपने भी नहीं की होगी। दुनिया इस केस को चमारी लियानागे केस के नाम से जानती है। तो आखिर क्या है चमारी लियानागे केस की पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए पूरी कहानी जानने के बाद शायद आप भी फैसला नहीं कर पाएंगे कि हत्या करने वाला गलत था या फिर जिसकी हत्या की गई वो गलत था। इस केस ने ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक श्रीलंकाई मूल के ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर कपल्स की है। चमारी लियानागे और दिनेंद्र अथुकोरला का जन्म श्रीलंका में ही हुआ था। दोनों श्रीलंका में ही रहते हुए डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। जॉब के दौरान ही 2009 में चमारी लियानागे तथा दिनेंद्र अथुकोरला की एक दिन मुलाकात होती है और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ ही महीनों में इन दोनों का प्यार इतना ज्यादा गहरा हो जाता है कि 2009 में ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। समय के साथ ये दोनों श्रीलंका में प्रैक्टिस भी करने लगते हैं और बहुत कम समय में अच्छा खासा नाम भी कमाते हैं। मगर फिर दोनों पति पत्नी बेहतर फ्यूचर की तलाश में श्रीलंका से निकलकर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाते हैं। सब कुछ तय होने के बाद चमारी लियानागे और दिनेंद्र अथुकोरला ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं और यहां वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जेरल्टन शहर को अपना ठिकाना बनाते हैं। यहीं रहते हुए दोनों एक बड़े अस्पताल में अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं और श्रीलंका की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कम समय में दोनों पति पत्नी एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगते हैं। ये दोनों अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ दुनिया की नजरों में एक बेहद ही लविंग कपल भी थे। इन लोगों का व्यवहार बाहरी दुनिया से भी बहुत अच्छा होता था। यही वजह थी कि बहुत कम समय में ही इन लोगों की दोस्ती काफी लोगों से हो गई थी। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, या कहें कि कम से कम दुनिया की नजरों में अच्छा चल रहा था। लेकिन 23 जून 2014 की रात सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है, क्योंकि इसी रात इस घर में एक दिल दहला देने वाले वारदात को अंजाम दिया जाता है। दरअसल 24 जून 2014 की सुबह 6:30 पर चमारी लियानागे ऑस्ट्रेलियाई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हुए बेहद ही घबराई आवाज में कहती हैं कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। एक डॉक्टर की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस टीम भागते हुए मौके पर आती है। कमरे में दाखिल होते ही पुलिस वाले देखते हैं कि एक बेड पर दिनेंद्र अथुकोरला की लाश पड़ी हुई है। मैट्रेस पूरी तरीके से खून से सना हुआ है। दिनेंद्र के मुंह पर एक तकिया रखा हुआ है। शव के बगल में ही एक लोहे का बड़ा सा हथौड़ा भी पड़ा हुआ था जो पूरी तरीके से खून में सना हुआ था। यह सब कुछ देखने के बाद जब पुलिस वाले शव के चेहरे से तकिया हटाते हैं तो नजारा देखकर हर कोई हिल जाता है। दिनेंद्र का पूरा चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। इस भयानक चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि किसी ने भारी चीज से बड़ी बेरहमी से लगातार सिर पर वार किया है, जिससे पूरा सर ही टूटकर चूर हो गया है। शरीर के पास मौजूद एक भारी भरकम हथौड़ा इस बात की गवाही दे रहा था कि शायद इसी हथौड़े से सर को बड़ी बेरहमी से कुचला गया है। पुलिस तुरंत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ हत्या की वजह और हत्यारे की तलाश में भी पुलिस लग जाती है। सबसे पहले पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति ने तो आकर हत्या नहीं कर दी है। पुलिस वाले बहुत जल्द ही इस संभावना को नकार देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों के मुताबिक अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर हत्या की होती तो बगल में सो रही चमारी लियानागे को जरूर थोड़ी बहुत चोट लगती या उसकी नींद तो खुलती ही। मगर लियानागे पूरी तरीके से
सही सलामत थी। इसके अलावा घर में किसी के भी फोर्स्ड एंट्री के सबूत पुलिस को नहीं मिलते हैं। लूट का भी मामला नहीं लग रहा था। ये सभी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि जिसने भी हत्या की है वो इस घर के अंदर का ही है। उस घर में तब दीनेंद्र अथुकोरला की पत्नी चमारी लेनागा के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। अब पुलिस वाले सीधे चमारी लेनागा से पूछताछ की शुरुआत करते हैं। जैसे ही चमारी लेनागे से पूछताछ की शुरुआत होती है, वो पुलिस वालों को बताती है कि मैं रात में सोने आ गई, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि बगल में मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, इसलिए मैंने इमरजेंसी हेल्पलाइन में फोन किया। ये हालत किसने की है, कब की है, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब चमारी लेनागे अपने पति की हत्या से साफ साफ इनकार करती हैं। मगर पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, शक की सुई सिर्फ चमारी लेनागे पर ही अटक जाती है। यहां तक कि आगे की जांच में जो सबूत मिलते हैं उससे भी यही पता चलता है कि ये हत्या किसी और ने नहीं, चमारी लेनागे ने ही की है। कमरे से बरामद 1.79 किलोग्राम के हथौड़े पर भी फिंगरप्रिंट्स चमारी लेनागे के ही मिलते हैं। पुलिस सारी जांच खत्म करने के बाद यह रिपोर्ट पेश करती है कि रात में चमारी लेनागे ने लगातार हथौड़े से अपने पति के सर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ चमारी लेनागे अपने उसी बयान पर डटी रहती हैं कि मैं सोने चली गई, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इसके बावजूद चमारी लेनागे को सबूतों के आधार पर अपने पति दीनेंद्र अथुकोरला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद लगभग 2.5 दिनों तक चमारी लेनागे से लगातार पूछताछ होती है और इस पूछताछ में बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। कहने को तो दुनिया की नजरों में चमारी लेनागे और दीनेंद्र अथुकोरला एक आइडियल कपल थे जो हमेशा खुश रहते थे, मगर सच्चाई बिल्कुल उलट थी। चमारी लेनागे द्वारा पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक जब तक ये दोनों लवर्स थे, एक दूसरे की काफी इज्जत करते थे और दोनों एक दूसरे को प्रेम भी करते थे। मगर जैसे ही दोनों की शादी हुई, दीनेंद्र अथुकोरला एकदम से बदल गया। शादी के बाद दीनेंद्र अपनी पत्नी को तरह तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे बेहद ही गंदे गंदे काम भी करवाना शुरू कर देता है। समय के साथ साथ दीनेंद्र का जुल्म पत्नी पर बढ़ता ही चला जाता है। खुलासे के मुताबिक दीनेंद्र पत्नी को बुरी तरीके से मेंटली, इमोशनली और फिजिकली टॉर्चर करने लगा था। इस बात का सबूत देने के लिए चमारी ने पुलिस वालों को घर में मौजूद एक स्टील की कुर्सी दिखाई, जिससे अक्सर दीनेंद्र उसे पीटा करता था। वो चमारी लेनागे को उसी कुर्सी से इतनी बार मार चुका था कि वो कुर्सी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। घर में एक लकड़ी का बेलन भी था, जिसका उपयोग दीनेंद्र बेहद ही गंदे तरीके से पत्नी के ऊपर किया करता था। इस कारण चमारी के इनर थाई पर बेहद ही गंभीर जख्म भी बन चुके थे। इतना ही नहीं, दीनेंद्र अथुकोरला अक्सर चमारी को प्लेट फेंक कर मारा करता था। इस कारण उनके डाइनिंग एरिया का दीवार प्लेट की चोट की वजह से काफी हद तक दागदार हो चुका था। पुलिस वाले चमारी लेनागे के इन दावों की पुष्टि के लिए कुर्सी, बेलन और दीवार की जांच पड़ताल करने के साथ साथ चमारी लेनागे की भी फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो चमारी लेनागे का दावा बिल्कुल ठीक पाया जाता है। इन सभी दावों की पुष्टि और केस की आगे की जांच के दौरान चमारी को जेल में रख दिया जाता है, मगर जेल में वो बिल्कुल बदली हुई नजर आती हैं। दरअसल जेल के अंदर बंद होने के बावजूद चमारी लेनागे अब कुछ ज्यादा ही खुश नजर आती हैं। इस पर जब कुछ दूसरे अधिकारी इस खुशी की वजह पूछते हैं तो वो बताती हैं कि दरअसल जब मैं घर के अंदर थी तब मैं कैद में थी, अब तो जेल के अंदर मैं सही मायने में ज्यादा फ्री महसूस कर पा रही हूं। चमारी लेनागे जेल में रहती हैं तभी ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय द्वारा उसका वीजा भी कैंसिल कर दिया जाता है और तय किया जाता है कि जैसे ही वो जेल से छूटेंगी उसे वापस श्रीलंका भेज दिया जाएगा। इन सब के बीच जांच आगे बढ़ती है, तो जांच में अब और हिला देने वाला खुलासा होता है। चमारी लेनागे दावा करती हैं कि दीनेंद्र उसके साथ तो जबरदस्ती अलग अलग तरह के तो करता ही था, वो दूसरे लोगों के साथ भी उसे करने पर मजबूर करता था। इस दावे की पुष्टि के लिए एक लड़की को कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। उस लड़की की गवाही के मुताबिक 2014 में ही जब ये पति पत्नी एक पार्टी में थे तो वहीं उनकी नजर एक 17 साल की लड़की पर पड़ती है। उस लड़की को देखते ही दीनेंद्र अथुकोरला ने
चमारी लीनागे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम जाकर उससे दोस्ती करो। पति के दबाव में आकर चमारी लीनागे ने उस लड़की से दोस्ती करनी शुरू कर दी और किसी तरह उसे घर लेकर आई। उसे घर लाते ही दिनेंद्र अथुकोरला ने उस लड़की के साथ गलत हरकत करनी शुरू कर दी और फिर उसे पैसे, वीडियो कैमरा और कई महंगे गिफ्ट्स देकर अपने वश में करते हुए उसके साथ कई बार गलत काम को अंजाम दिया। गवाही के दौरान लड़की ये भी कहती है कि शुरू में जो कुछ भी हम तीनों के बीच हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी सहमति थी, मगर बाद में जब दिनेंद्र ने मुझसे और ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो चमारी ने मेरी काफी मदद की थी। ये लड़की अपने बयान में दिनेंद्र को ही विलेन बताती है। आगे की जांच में चमारी ये भी खुलासा करती हैं कि दिनेंद्र अथुकोरला अक्सर बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था, यहां तक कि को लेकर वो इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि दिन रात वो बस बच्चों के वीडियो ही देखा करता था। इतना ही नहीं, वो ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। इस दावे की पुष्टि के लिए पुलिस ने दिनेंद्र अथुकोरला के पास मौजूद 3 लैपटॉप और दर्जनों हार्ड डिस्क बरामद की तो खुलासा हुआ कि दिनेंद्र अथुकोरला के पास 13 टेराबाइट कलेक्शन सिर्फ की थी। ध्यान दीजिए, 13 GB नहीं बल्कि 13 टेराबाइट TB। उसके सभी लैपटॉप और हार्ड डिस्क में बच्चों की तस्वीरें भरी हुई थी। जैसे जैसे ये सब खुलासे होने लगते हैं, लोगों का भावनात्मक झुकाव अब चमारी लीनागे की तरफ होने लगता है। जो लोग अब तक चमारी लीनागे को एक कातिल मानते थे, वही लोग अब चमारी लीनागे को ही विक्टिम मानते हुए चमारी के समर्थन में कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय ने चमारी का वीजा कैंसिल कर दिया था, उसके खिलाफ भी ऑनलाइन कैंपेन चलाया जाने लगता है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई लोग ही चमारी के समर्थन में उतरने लगते हैं। यह खबर देश दुनिया में सुर्खियां बटोरने लगती है। लोगों की दलील थी कि असल में दिनेंद्र अथुकोरला ने चमारी लीनागे को इमोशनली, मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी, इस कारण उसने जो किया सही किया। चमारी लीनागे जेल में रहते हुए 54 पन्नों की अपनी आपबीती भी लिखती हैं, जिसका सार यही था कि पिछले 5 सालों में उसकी शादीशुदा जिंदगी नर्क से बदतर बन गई थी, जहां वो दिनेंद्र अथुकोरला के लिए और खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी। दिनेंद्र अथुकोरला पत्नी को ऑनलाइन भी करने पर मजबूर करता था, खासतौर पर ये कई वेबसाइट के साथ साथ स्काइप के जरिए लोगों के सामने वीडियो कॉल के माध्यम से चमारी लीनागे को करवाता और करता था। आप शायद सोच रहे होंगे कि जब दिनेंद्र अथुकोरला इतना बुरा इंसान था तो चमारी लीनागे ने दिनेंद्र अथुकोरला को छोड़ क्यों नहीं दिया और फिर वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं की। चमारी लीनागे के लिखे नोट से इस बात का भी खुलासा होता है। खुलासे के मुताबिक जब दिनेंद्र अथुकोरला का व्यवहार बदलने लगा तो चमारी लीनागे कई बार भागने की कोशिश करती हैं, मगर हर बार वो नाकाम हो जाती थीं। दिमागी तौर पर दिनेंद्र ने चमारी को इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। दिनेंद्र हर पल उस पर नजर रखता था। उसने यहां तक भी धमकी दे रखी थी कि अगर तुम मुझे छोड़कर भागती हो तो मैं तुम्हें से जला दूंगा, फिर तुम्हारी जान ले लूंगा। इन सब धमकियों के बावजूद कम से कम 6 बार चमारी इस कैद से भागने की कोशिश करती हैं, मगर नाकाम रहती हैं। इन कोशिशों का नतीजा ये होता है कि दिनेंद्र अथुकोरला का जुल्म उस पर बढ़ता जाता है। इस जुल्म से चमारी लीनागे इतनी ज्यादा टूट जाती हैं कि वो पुलिस में भी रिपोर्ट करने लायक नहीं बचती हैं। चमारी लीनागे की ये पूरी कहानी एक तरफ थी, दूसरी तरफ एक सच्चाई थी कि उसने अपने ही हाथों से बड़ी बेरहमी से हथौड़े से पीट पीट कर अपने पति दिनेंद्र अथुकोरला की हत्या कर दी है। लोगों की सिंपथी भले ही चमारी लीनागे के साथ थी, मगर कोर्ट तो हर चीज सही गलत और न्याय के नजरिए से ही देखता है, इसलिए चमारी लीनागे पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए आगे की सुनवाई की जाती है। सुनवाई के दौरान एक तरफ सारे सबूत थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि चमारी लीनागे ने अपने पति की हत्या की है, दूसरी तरफ चमारी लीनागे का बयान था कि उसे उस रात के बारे में कुछ नहीं पता। आखिर ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति कोई इतना बड़ा अपराध करे और उसे उस बात का अंदाजा भी ना हो, यह तो असंभव लगता है। फिर भी इस बात की पुष्टि के लिए सुनवाई के दौरान कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े फॉरेंसिक साइकेट्रिस्ट को मामले में गवाही के लिए बुलाया जाता है। इस एक गवाही से केस का पूरा रुख ही बदल जाता है।
पहली गवाही साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विक्टोरिया पास्को की होती है। चमारी लिनागे द्वारा लिखे गए पूरे नोट्स, उनके दावों की पुष्टि करते सबूतों तथा उनके व्यवहार को समझने के बाद डॉक्टर विक्टोरिया कोर्ट में गवाही देते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाए तो मेडिकल साइकेट्री के अनुसार वो व्यक्ति स्टेट ऑफ ऑटोमेटिज्म में चला जाता है। इस स्थिति को रोबोटिक स्टेट या फिर ऑटोमेटेड स्टेट भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति बड़े से बड़े तथा जटिल से जटिल काम को कर भी लेता है, मगर उसे इस बात का जरा भी एहसास ही नहीं हो पाता है कि वो क्या कर रहा है या उसने क्या कर दिया है। डॉक्टर विक्टोरिया के मुताबिक वर्षों के टॉर्चर की वजह से चमारी भी उसी स्थिति में पहुंच गई जहां उसने अपने पति की ही हत्या कर दी, मगर उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं हो सका कि उसने क्या किया है। इस बात से यह साफ था कि चमारी लिनागे का यह दावा सच था कि उसे याद ही नहीं है कि सोने के बाद और उठने से पहले के बीच में क्या कुछ हुआ। डॉक्टर विक्टोरिया के मुताबिक चमारी लिनागे पति के टॉर्चर की वजह से बेटर्ड वाइफ सिंड्रोम से भी ग्रसित थीं। इसके अलावा सालों के दुर्व्यवहार की वजह से वो कल्ट लाइक मेंटेलिटी की स्थिति में भी पहुंच चुकी थीं। कोर्ट में एक दूसरे डॉक्टर भी आकर गवाही देते हैं। वो पूरी स्थिति और केस की बारीकियां समझने के बाद चमारी लिनागे की मानसिक स्थिति को अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक स्टेट करार देते हैं। इसका मतलब एक लाइन में समझें तो यही है कि चमारी लिनागे ने जो कुछ भी किया उस समय उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। इस केस की सुनवाई लगातार 3 हफ्तों तक चलती रहती है और पूरी सुनवाई तथा दर्जनों गवाही के बाद फाइनली कोर्ट मानता है कि चमारी लिनागे पर 5 सालों तक दिनेंद्र अथुकोरला जुर्म करता रहा। इसका नतीजा हुआ कि वो स्टेट ऑफ ऑटोमेटिज्म में पहुंच गई। इस कारण उसने अपना होश खोकर अपने पति की हत्या कर दी। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में हत्या करने वाले को कम से कम 20 से 25 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। इस दौरान अमूमन अपराधी को पेरोल भी नहीं दी जाती है, मगर पूरी केस की गंभीरता को समझने के बाद कोर्ट दिनेंद्र अथुकोरला की हरकत को पत्नी के खिलाफ वर्स्ट काइंड ऑफ फिजिकल और इमोशनल मानता है। इस आधार पर चमारी लिनागे को फरवरी 2016 में सिर्फ 4 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ 4 साल। सजा के बाद चमारी लिनागे को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जिरल्टन सिटी के ही ग्रीनफ रीजनल जेल में रखा जाता है। यहां कुछ ही महीने बिताने के बाद चमारी लिनागे को कोर्ट से पेरोल भी मिल जाती है। इस समय अगर चमारी लिनागे जेल से बाहर आती तो उसे सीधे श्रीलंका डिपोर्ट कर दिया जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चमारी लिनागे का वीजा कैंसिल कर दिया था। इस स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से लोग चमारी लिनागे के समर्थन में कैंपेन चलाने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय द्वारा चमारी के वीजा को फिर से वैलिड करार दे दिया जाता है, साथ ही उसे ऑस्ट्रेलिया में रहने की इजाजत मिल जाती है। इसके बाद फाइनली 27 फरवरी 2017 को सुबह के 5 बजे चमारी लिनागे जेल से बाहर आ जाती हैं। जेल से बाहर आने के बाद चमारी लिनागे की कई दौर की काउंसलिंग भी की जाती है। अब फिलहाल वो दिमागी तौर पर बिल्कुल फिट हैं और एक डॉक्टर के तौर पर काम करने के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था के साथ जुड़कर भी ये काम कर रही हैं तथा डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जागरूकता भी फैलाती हैं। दोस्तों, अब आप बताएं कि चमारी लिनागे और दिनेंद्र अथुकोरला में से असल दोषी कौन है, और ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने चमारी लिनागे के संबंध में जो कुछ भी फैसला सुनाया वो सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।